बोलिए अंबे मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कितना महत्वपूर्ण दिवस है ये, कितना पवित्र दिवस है ये। ठीक है, हम सब अपने घरों में हैं, लगभग कैद सी स्थिति है, लेकिन हम कैद होकर भी मुक्त हैं और इसीलिए हम जम के पूजा करेंगे। बेशक हमारे पास पूजा की सामग्री ना हो, लेकिन भाव की पूजा करेंगे, भावांजलि अर्पित करते हुए पूजा करेंगे। और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाती है, किस वक्त की जाएगी, ये भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम श्री राम जी की पूजा किस वक्त करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी जानेंगे। मैं आपको एक शुभ सूचना पहले दे देता हूँ। इस दिन बहुत सारे लोग आश्रम में, आश्रम परिवार के लोग, कुछ बाहर के लोग, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। हम लोग रात भर उत्सव मनाते थे, भजन होते थे और बड़े अच्छे अच्छे लोग उसमें गाते थे, और फिर जप होता था, पाठ होता था, यज्ञ होता था। मैं भी बहुत सारी बातें बताता था, ख़ास ख़ास बातें बताता था। चलो कोई बात नहीं, इस बार लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे, लेकिन फेसबुक तो है ना, इसीलिए मैं 11 बजे से फेसबुक लाइव पर रहूँगा और हम लोग इस माध्यम से माँ का नवरात्रि उत्सव मनाएंगे, माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, है ना। तो रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, रास्ता कोई रोक थोड़ी सकता है। माँ के भक्तों को माँ की भक्ति करने से कोई रोक थोड़ी सकता है। तो हम लोग कल इस प्रकार से पूजा करेंगे। माँ सिद्धिदात्री के बारे में मैं आपको पहले बताता हूं। जो अर्धनारीश्वर रूप आप देखते हैं ना, शिव जी और माँ, तो वो सिद्धिदात्री माँ तो हैं। अब देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोग सप्तमी अष्टमी पूज के और खा पी के बैठ जाते हैं, और उसमें भी हमारा प्रश्न क्या होता है, कन्या कब खिलानी है। आज भी मैं आश्रम में ऐसी टहल रहा था तो कुछ लोग आए, वो यही प्रश्न, कन्या कब पूजनी है, कन्या कब खिलानी है, कंजके कब खिलाने हैं। बस क्या सिर्फ इतनी सी ये पूजा होती है, अरे ये पूजा तो बहुत बड़ी होती है। नवरात्रि की पूजा इसलिए करते, कंजके कब खिलाने हैं। कोई नहीं पूछता नवरात्र पूजा कैसे की जाती है। सच में आज 35 सालों में 5-10 लोगों ने पूछा हो तो पूछा, बाकी कभी किसी ने नहीं पूछा। सीधा सा यही होता है, कंजके कब खिलाने। खैर, इस बार तो कंजक खिलाना भी कठिन है। अष्टमी को कंजक नहीं खिलानी चाहिए, अष्टमी को उपवास नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने किचन में यदि अन्न पकाएंगे तो फिर उपवास कैसे होगा। वो एक अलग बात है कि गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, कोई छोटा बच्चा है, कोई, उनके लिए आपने किचन में अलग से भोजन पकाया, फिर किचन को साफ शुद्ध किया, अन्न को बिल्कुल हटा दिया जिससे वो व्रत के उपवास के भोजन में ना मिल जाए, और उसके बाद आपने व्रत का बना ली। लेकिन कंजक खिलाने के लिए तो आपको, या तो आपके घर में दो किचन हो, दो चूल्हे हों, अन्यथा आप कैसे खिलाएंगे। अन्न सब जगह अन्न ही अन्न होगा। नवरात्रि हुई कहाँ, फिर अष्टरात्रि नाम हो जाता इसका तो, और रात भी कहाँ हुई, तो दिवस हो गया, तो अष्ट दिवस नाम हो जाता। सात रात्रि तो आप उपवास में रहे, आठवें दिन तो खोल खाल के उपवास और पेट पीटा खूब, यही तो गड़बड़ हुई। तो नौवीं रात की पूजा हम जिसे मानते, हो सकता आप ना माने और आप ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे अपने लॉजिक है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। नवरात्र पूजन, पूजन तो आप निश्चित रूप से उपवास में ही करेंगे ना, अन्न खा के थोड़ी करेंगे। तो सिद्धिदात्री मैया का रात्रि पूजन करने के उपरांत सुबह जब होगी तो व्रत का पारण करेंगे,
यज्ञ करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद स्वयं खाएंगे, यानी दसवीं को आप स्वयं खाएंगे। तो नवरात तो तब पूरी हुई, नहीं तो जिन्होंने सप्तमी पूजी उनकी शतरात्रि हो गई छह रात्रि, जिन्होंने अष्टमी पूजी और खाना खा लिया उनकी सप्तरात्रि हो गई, जिन्होंने नवमी को सुबह सुबह कन्या पूजन करके और भोजन पका लिया उनकी अष्टरात्रि हो गई। नवरात्रि कहाँ हुई? नवरात्रि तो केवल उसकी हुई ना जिसने पूरी नवरात का पूजन करने के उपरांत दसवीं की सुबह को यज्ञ करके कन्या पूजन करके तब भोजन किया, उपवास का पारण किया। समझ गए ना? अब माँ सिद्धिदात्री की एक और बात बताता हूं। आप दुर्गा सप्तशती के पाठों को पढ़ना शुरू करिए। प्रथम पाठ में जो संसार में उथल पुथल हो रही है उसका वर्णन है। राजा सुरथ उसके नायक है, उसका वर्णन करते 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 मां का उदय होता है। मां शुरू में तो सौम्य रूप में है, शुरू में तो निज कार्य हेतु तप करती हैं और धीरे 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 माँ संसार का कल्याण करने लगती हैं। वहाँ कहीं तो वह सौम्य रूप में है, तो कहीं कालरात्रि रूप में है, तो कहीं माँ गौरी रूप में है। तो एकदम इस तरीके से रौद्रता बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद रौद्रता कम होती है। सप्तमी के बाद रौद्रता कम होती है, अष्टमी और नवमी को रौद्रता नहीं है। अब आठ दिवस उस रौद्र रूप के दर्शन हमने कर लिए, संसार में महान परिवर्तन के हमने दर्शन कर लिए। अब नवे दिन सब थम गया, अब विकास होना है, अब निर्माण होना है। और इसीलिए मां सिद्धिदात्री हैं, वह आपको 18 सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। सामान्यतः अष्ट सिद्धि जानते होंगे आप जो श्री हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन अष्ट सिद्धि तो प्रचलित अष्ट सिद्धियां हैं, लेकिन इसके अलावा 10 सिद्धियां अलग और है। सिद्धियों के बारे में मैं किसी दिन बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि एक दिवस में आप सिद्धियों की तैयारी तो कर नहीं सकते और करने से कोई लाभ भी नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त भी नहीं होगी। इसीलिए आप सिद्धिदात्री मैया की पूजा करते रहिए करते रहिए। नवरात्र पूजन के उपरांत मैया स्वयं ही कुछ आपको देंगे। अब वो क्या देंगी ये वो जाने। हमारा काम है अर्जी लगाना, हमारा काम है भावांजलि अर्पित करना, हमारा काम है उनमें डूब जाना, रम जाना, उन्हें माँ के रूप में देखते हुए और बच्चों जैसा अपना व्यवहार रखते हुए उनका पूजन करना। आगे उनकी मर्जी। पूजा का थाल आपने अभी सजाना है, क्या होगा उसमें? दीपक होगा, क्षत रख लीजिएगा और जल रख लीजिएगा, आप रक्त चंदन तिलक रख लीजिएगा, सिंदूर तिलक रख लीजिएगा या कुमकुम रख लीजिएगा, लाल पीला सफ़ेद पुष्प, वैसे तो 9 पुष्प चढ़ाने का इसमें प्रचलन होता है, लेकिन अब 9 पुष्प कहाँ मिलेंगे, तो 3 रंग के ये पुष्प तो आप ज़रूर ले लीजिएगा और इसी के 3-3-3 कर लीजिएगा तो 9 हो जाएंगे। नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, माँ को सब पता है, माँ को पता है कोरोना फैला हुआ है, और माँ देखिए कृपा भी कर रही है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग तो बहुत बहुत मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग बार बार यही कह रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद की क्या ज़रूरत है? है मंदिर की ज़रूरत है, शिक्षा वहाँ से प्राप्त होती है, मंदिर के अंदर भगवान थोड़ी रहते हैं, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन मंदिर में जाकर हम एकाग्र चित्त होकर वहाँ से शिक्षा प्रेरणा प्राप्त करके उस भगवान की आराधना करते हैं। वहाँ की जो विशिष्ट तरंगे होती हैं वो तरंगे हमारी चेतना को जागृत करती हैं, इसलिए मंदिर की आवश्यकता है। मंदिर में सुख है, शांति, और जब व्यक्ति हर तरफ से टूट जाता है मंदिर जाता है, तो मंदिर की वैल्यू है, क्यों नहीं है वैल्यू? अस्पताल की वैल्यू है, क्यों नहीं है?
स्कूल की वैल्यू है, क्यों नहीं है। अच्छा, ऐसे लोगों से एक प्रश्न और मैं पूछता, वो कहते हैं मंदिर की जगह अस्पताल बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ते। तो कोरोना से तो स्कूल भी नहीं लड़ रहे, तो स्कूल भी बंद करके अस्पताल ही बना दें। जो बस अड्डा है, अब वो बसें तो चल नहीं रही हैं, तो वो भी बंद करके अस्पताल ही बना दें। आपका घर भी किस काम का है, एक कमरे में सारे रह लेना, सारी क्वारंटाइन थोड़ी है, बाकी घर को हम अस्पताल बना देते। आप देखिए फेसबुक में इस प्रकार का, और मेरी बात को जरा शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों के तो कितने लोग जानते हुए हैं, आप लोग अच्छी बात है शेयर नहीं करते, ये हिंदुओं की बड़ी कमी है। तो इतना सा हिस्सा शेयर कर दीजिएगा, मैं इसका हिस्सा अलग से भी डलवा दूंगा, वो शेयर कर दीजिएगा। तो ये तर्क है इस बात का, हर चीज़ की अपनी आवश्यकता है। अब आपके गांव में नानी रहती थी, आज नहीं रहती हैं, घर है वहाँ, लेकिन जाकर रहने में आनंद अलग आता है, लेकिन उस आनंद को छोड़िए, नानी का घर अस्पताल बनवा दीजिए। क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की भी, क्या ज़रूरत है, देखो ऑनलाइन क्लासेस हो गई कि नहीं हो गई, अस्पताल बनवा दो स्कूल का भी। तो ये जो बेसूद लोग होते हैं, ये बहुत धूर्त लोग मूर्खता करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ये लोग, इस प्रकार की बातें फैलाते हैं, और बच्चे इन बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं बिना सोचे समझे, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वो अटैक कहाँ कर रहे हैं, वो मंदिर पर अटैक कर रहे हैं, वो राम मंदिर पर अटैक कर रहे हैं। ये समझने में थोड़ा सा अनुभव चाहिए होता है, बच्चों की क्या बड़ों की भी यही स्थिति है, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं। तो सरकार पे जब आवश्यकता होगी तो वह हर धर्मशाला को, हर स्कूल को, हर कॉलेज को, होटल को, वो हॉस्पिटल बना देंगे टेम्पोरेरी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं है तो होटल होटल की जगह, स्कूल स्कूल की जगह, धर्मशाला धर्मशाला की जगह, मंदिर मंदिर की जगह, बस अड्डा बस अड्डे की जगह है, सब जगह अस्पताल बन जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, बाहर जाके अस्पताल में, हम टूरिस्ट हैं साहब, फला अस्पताल में जाकर रुकेंगे, बेड नंबर 4 पर वहाँ पर ऑक्सीजन लेकर लेटा करेंगे, ऐसा कहेगा कोई? तो सही बुद्धि का भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा, तो कितना मज़ा है ना, समाज अच्छा तभी तो होगा। हम एक जगह अटैक करेंगे तो दूसरी जगह से अटैक होना शुरू हो जाएगा और समाज में परेशानी फैल जाएगी। हो गया भाषण, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नवरात्रि की थाली सज गई, उसमें जो भी हो, फल हो, दूध हो, दही हो, पंचामृत बना है, शहद होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप उसमें रखिए, मैया को अर्पित कीजिए और मैया की आरती उतारिए। वो वाली आरती है ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, वो वाली आरती, और यज्ञ कीजिए। अब सुबह से रूटीन क्या रहनी है, पहले आपने थाली सजा ली, यज्ञ हुआ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमः चंडिकाय, स्वाहा स्वाहा ज़रूर लगाइएगा अगर आप सामग्री अर्पित कर रहे हैं। तो यज्ञ के बाद आप सीधे मैया के पास जाइए, मैया के पास जाकर बैठ जाइए, वहाँ बैठने के बाद आप उनका आरती भजन पूजन तिलक अभिनंदन कीजिए, और उसके बाद या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री, ये समझ में आ गया ना, यहाँ सिद्धिदात्री आएगी, जैसे बुद्धि रूपेण संस्थिता कहते थे ना, तो या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, 11 बार इसका जप कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा माँ को हाथ जोड़ के, ये जप ये पाठ करके, उसके बाद फिर आप दुर्गा सप्तशती में अर्घला से प्रारंभ कीजिएगा, किला कवच पढ़ते हुए। फिर यदि एक बार पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना 3 बार कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना ज़रूर करिएगा, क्योंकि पूजा में अनजाने कितनी त्रुटियां हो जाती होंगी पता थोड़ी चलता है, तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लीजिएगा। हम उनके बच्चे हैं, क्षमा मांग लेंगे, क्या दिक्कत है, हमें डांट वांट लेंगी फिर प्यार करेंगी, माँ जो ठहरी। अब इसके बाद रामनवमी का समय हो जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जो राम के उपासक हैं वो रामनवमी मनाएं,
उसके बाद फिर 11 बज जाएंगे। हाँ, संध्या आरती भी तो करनी होगी आपको, शाम की आरती भी आप जरूर करिएगा, शाम की पूजा करके संध्या आरती करके और उसके बाद फिर रात में 11 बजे से मेरे साथ बैठ जाइए। तो थोड़ी देर मेरे साथ बैठिएगा, फिर मैं जप शुरू करवा दूंगा और मैं भी जप करूंगा और फिर आप लोग भी जप में डूब जाइएगा। इस प्रकार से माँ सिद्धिदात्री की पूजा आपको करनी है। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा कल, ठीक है? तो ये हुआ माँ सिद्धिदात्री की पूजा का सूक्ष्म विधान, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बताना भी नहीं चाहता, कारण ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, आप फिर परेशानी महसूस करेंगे। अच्छा, खेतरी, खेतरी होगी ना, उसके जो पत्ते निकल रहे होंगे कान में लगा लीजिएगा, बाकी प्रसाद रूप से बांट दीजिएगा, आपस में ही खा लीजिएगा बांट के। दीपक जब तक जलता रहे तब तक जलता रहे, रात में दीपक में अंतिम बार घी तेल जिसका भी जलाया वो दीजिएगा, बस सूर्य उदय तक वो जल जाए इतना बहुत है, यानी 3 तारीख की सुबह तक दीपक प्रज्वलित रहे, सूर्य उदय के बाद वो स्वतः ही बुझ जाएगा। अब बात करते हैं रामनवमी की। 10 जनवरी 5114 लगभग 12:38, 12:15 भी हो सकते हैं, तो ऐसा समझ लिए 12 से 12:30 के बीच में भगवान श्री राम पधारे इस धरती पर, वो अवतरित हुए इस धरती पर। और हमें जो पूजन का समय मिल रहा है वो 11:10 से लेकर 12:24 तक मिल रहा है मेन, और वैसे उसके बाद 1:40 तक दोपहर में वो रहेगा, लेकिन मध्यान्ह पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है क्योंकि इसी समय उनका अवतरण हुआ था। अब करना क्या है? हल्दी का तिलक, पीला आसन, पीले वस्त्र, वस्त्र ना हो तो पीला सूत्र, सूत पीला धागा, ठीक, ये भगवान श्री राम को आप लगाइएगा। अब ज़्यादातर घरों में श्री राम जी के साथ माँ सीता होती है, हनुमान दरबार, हनुमान जी भी होते हैं, पूरा श्री राम दरबार भी होता है, तो सबको लगा दीजिए। जो श्री राम के प्रिय हैं वो हमारे भी तो पूजनीय हुए, तो सबकी पूजा कर दीजिए। और कल वैसे भी बहुत अच्छा दिवस है, कल राम मंदिर के लिए कुछ विशेष होने वाला है, लेकिन हमें से किसी को वहाँ जाना नहीं है, ऐसा संदेश आया है महंत जी का, तो सही बात भी है। इस वक्त कोई इकट्ठा थोड़ी होना चाहिए, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बस घर परिवार के जो लोग हैं बैठे पूजा कर दें, बस मंदिर भी जाने की क्या ज़रूरत, भावांजलि दीजिए ना। अब भावांजलि कैसे, ये पूजा हो गई, उसके बाद श्री राम जी की आरती वगैरह हो गई, ठीक, उसके बाद क्या करना, क्योंकि अन्न भी नहीं बना है ना आप, क्या इसलिए हम बेसन की कोई चीज़ उनको नहीं देंगे, बाकी फल आदि ये सब करेंगे, जो फल फूल हो वो करेंगे, और उसके बाद आप बैठ जाइए 12 से 12:30 तक। कैसे, श्री राम जय राम जय जय राम, एक व्यक्ति ये गाए बाकी उनके पीछे पीछे स्वर में गाना, राम जी को असुर नहीं पसंद है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 108 बार राम जी का जप, राम 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 एक, राम 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 दो, फिर 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके 108 बार, बड़ा आनंद आएगा श्री राम जी का, ये जप कीजिए।
और उसके बाद वो सारे लोग जो परेशान हैं या दूसरों के द्वारा जिनका शोषण हो रहा है या जो लोग बीमार हैं वो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लें। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लें। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिए और इसे कृपा करके शेयर भी कर दीजिएगा। आजकल किसी ने फेसबुक पर यह फैला रखा है कि श्री राम जी की स्तुति करने के बाद आप रामायण खोलिए, उसमें बाल मिलेंगे, इस बाल को उबाल के पी लीजिए, कोरोना नहीं होगा, और ये बाल बालकांड में मिलेंगे। बालकांड का अर्थ है बच्चा, बालक, जिसमें भगवान श्री राम जी के अवतरण से लेकर हनुमान जी आदि सब लोगों के अवतरण से लेकर वह तक का वर्णन किया गया है, ये बालकाल है, बालकांड है या बाल सर्ग है। इसमें ये वाला बाल कहां से आ गया, ये अंधविश्वास है। तो किसी ने आपको मूर्ख बनाया, और बड़े प्यार से हम भक्ति बहुत जल्दी जो है ना अंधभक्ति में परिणत हो जाती है, इससे बचा करें। अब लगे ढूंढने उसमें बाल, अब वो बाल किसका है, क्या है, कब गिर गया होगा, पढ़ते हैं जब नियमित रूप से बाल गिर भी जाता है, छपते हुए बाइंडिंग करते हुए बाल गिर जाता है, अब आप उसे उबाल रहे हैं, अभी कितना गंदा बाल है, वो उसे उबाल के पी रहे हैं, कोई बात ही। तो इस प्रकार का अंधविश्वास एक तो नहीं कीजिए, ठीक, कल बाल ढूंढना बंद कीजिएगा। रामनवमी के दिन बाल कांड पढ़ना है, बाल नहीं ढूंढना है। दूसरी बात, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कुछ फेसबुक आईडीज, कुछ ट्विटर आईडीज, कुछ और ऐसी आईडीज हैं जो लगातार सनातन संस्कृति पर सोच समझकर प्रहार करती हैं, वो श्री राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने से लेकर व्यक्तित्व तक पे प्रहार करती हैं, चरित्र तक का मर्दन करती हैं। ऐसे लोगों को हम कभी उत्तर नहीं देते, कारण हम डरपोक हैं, कारण हम पढ़े लिखे नहीं हैं उस चीज़ के, हमें जिसकी हम पूजा करते हैं उसका ज्ञान ही भानी ही नहीं है हमको। और तीसरी चीज़ हम सोचते हैं कान करे, जिससे मांगते हो सब कुछ उसके लिए भी स्वार्थी मनुष्य क्या कहता है, कान करे, ये तो ऐसे ही करते रहते, इन्हें पॉपुलर करने से क्या फ़ायदा। अरे ये उसे पॉपुलर थोड़ी कर रहे हैं, आप अपने भगवान जी के चरित्र की रक्षा कर रहे हैं, जो मेरा दायित्व है, ये भगवान जी का दायित्व नहीं है, उनको तो जिस दिन गुस्सा आएगा वो सब कर देंगे गड़बड़ उनको, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें, संस्कृति के प्रतीकों की रक्षा करें, हम अपने पुरखों की नाम की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। और कौन सी रक्षा, तर्क से, वाक युद्ध से, ये वाक युद्ध है, कोई लठी युद्ध थोड़ी है, हमने इसके लिए प्रयास शुरू किया है आश्रम से, आज से ही शुरू हो गया कि चित्र के सामने, श्री राम जी के चित्र के सामने, या श्री राम जी का चित्र गोदी में लेकर, या श्री राम जी का प्रतिमा गोदी में लेकर हम फोटो खिंचवा के डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं श्री राम जी की पूजा क्यों करता हूं, या मैं श्री राम जी की पूजा क्यों करती हूं। आप देखिएगा जो हमारे आश्रम का फेसबुक पेज है उस पर आप देखिएगा कितने लोगों ने, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, स्त्रियां, पुरुष, बुजुर्ग सब हैं। ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको अपनी संस्कृति को उठाने के लिए, ये हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी। ये श्री राम जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है जो श्री राम जी से सब कुछ चाहते हैं। इसलिए एक तो अपने भगवान को गहराई से जानिए, और दूसरी चीज अपने भगवान के लिए खड़े होकर बोलना सीखिए। लड़ना नहीं है, अपशब्द कभी नहीं कहने हैं, असंवैधानिक भाषा या कार्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर आप अपनी संस्कृति के लिए बोल नहीं सकते तो कायर बन के जीने से कोई लाभ नहीं है। 18 सिद्धियों की बात हो गई, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की बात हो गई, कैसे पूजन होगा उसकी बात हो गई, सीमित साधनों में और जब सब कुछ लॉकडाउन है उस समय में किस तरीके से पूजा हम कर सकते हैं, वो सारी बात हो गई। और
श्री राम जी के जन्म की भी बात हो गई, श्री राम जी की पूजा की भी बात हो गई, अपनी सनातन संस्कृति के लिए क्या करना है उन सब की बात हो गई, और अब बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। सुनिए अपना हाल। आपके आगे आने वाले दिन बड़े बढ़िया हैं। ये जो 12 महीने का समय है ये जून से लेकर जनवरी तक बहुत अच्छा है, भाग्योदय आपका हो रहा है। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, बस एक गड़बड़ हो सकती है, वो है स्वास्थ्य, उसका आप ख्याल रखिए। बाकी भाग्य ने इबारत लिख दी है कि बढ़िया होने वाला है, इसलिए आगे बढ़िए। लेकिन एक एक सेकंड आपने मेहनत करनी होगी, एक एक सेकंड बहुत मेहनत करने के उपरांत तब आपको बड़े ऊंची प्राप्तियां होंगी। और रिश्तों में मत उलझ जाइएगा, ऐसे रिश्ते जिनका कोई भविष्य आप नहीं देखते उनमें बिल्कुल मत उलझिएगा, क्योंकि करियर बनाने के ये हैं 12 महीने, गृहस्थी को ठीक करने के ये 12 महीने हैं, गृहस्थी बसने के ये 12 महीने हैं, रिश्ते नाते गृहस्थी बढ़ने के ये 12 महीने हैं। उपाय, माँ या माँ समान स्त्री के हाथ से या बड़ी बहन के हाथ से चांदी की चेन धारण कीजिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। अब इतना पवित्र दिन है तो राशि बल थोड़ी सुनना चाहेंगे आप, कोई जरूरत ही नहीं है। अब वैसे भी सबको घर में रहना और आज तो वो लोग जो बैंक वगैरह जा रहे थे वह अभी घर में हैं। लेकिन हाँ, हमारे चिकित्सक मुस्तैद है, हमारी पुलिस मुस्तैद है, हमारी कहीं कहीं पर पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद मैं चलूंगा। करिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम विश्व के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने भारत में आके इस कोरोना को फैलाया, यह हमारी संस्कृति है। लेकिन डर के जीने से तो मर जाना अच्छा है, ऐसा श्री राम ने सिखाया है। राम राम, नमस्कार, कहिए भारत माता की जय, अंबे मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय।